सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को दिखाते हैं अपना मंगला हाटी, जो हमारे गांव से करीब 10-12 किलोमीटर एक मार्केट है टटुआ बाजार, जो आप लोग को वहां लेके चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। मंगलवार को वहां हटिया बाजार लगता है, जो मतलब बकरी उकड़ी का, बैल उल का, मतलब हर चीज का वहां पर लगता है हटिया। और मंगलवार के मंगलवार ये चीज लगता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग को टूर कराते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्यार दीजिएगा, वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो आप लोग से यही बोलूंगा कि ज्यादा शेयर करिएगा, दोस्त पर लिंक जरूर शेयर करिएगा। और तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और फिर हम लोग खाना पीना सब हम लोग का हो चुका है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और आज मौसम भी बहुत अच्छे कर ले, जैसे मौसम की बात बोले तो मौसम तो ये रहा, जो हम लोग शायद मंगला हाटी पहुंच गए। और ये रहा, देखिए आप लोग कितना भीड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बकरी जानवर दिख रहे हैं। और यहाँ पे सब्जी का सुविधा दिया गया है। देखिए ये हुआ मंगला हाटी, जो आप लोग देखिए। तो चलिए आगे लेके चलते, आगे जानवर की हाटी लगता है यहाँ पे। और ये रहा जानवर वाला हाटी, उधर रहा बकरी उकड़ी, जैसे मुर्गा उर्गा मिलता था, दिखता था। यहाँ पे गाय वो भैंस वो चल, यहाँ पे हाटी लगता है। आप लोग देखिए कितने सारे आए हुए हैं यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा बगीचा है, जो इस बगीचे में लगता है, इसका तिलिया बगीचा के नाम से जाना जाता है। ये रहा बगीचा, तिलिया बगीचा का। मेडिकल स्कूल, जो हमारे पैमार नदी, और ये वहाँ मेडिकल स्कूल हमारे तेलिया बगीचा, वहाँ पर देखिए लगा हुआ है सब हटिया, हाटी लगा हुआ है। जो मंगलवार को मंगलवार ये हाटी लगती है, आप लोग को दिखाए हुए हैं। और सब जा रहे हैं अपना अपना गांव, मतलब अपने अपने मतलब जानवर को लेकर जा रहे हैं, जिनका बीका जो बीका जो नहीं जो बिनका बीका जो घर जाता है, अगला बार फिर आते हैं। और यही रहा, और यह रहा बगीचा जो आप लोग देख ही रहे। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ढेर सारे पा देगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।